जय माता दी। आज मैं इस ड्रेस के साथ की ये कैप बनाती हूँ। अगर ये कैप मेरी आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैंने 1.75 mm का क्रोशिया लिया। ये से बनाना शुरू करते हैं। इसे हम दो बार ऐसे राउंड लगाएंगे इसके, और ये इस तरह से बनाने के बाद एक चेन, दो, तीन चेन सहित हमें इसमें 16 क्रोशिया बनाने और डबल क्रोशिया बनाना है। ये ऐसे हम लपेटेंगे बल्लिया और ये दो में से लिकाड़ा और अब दो में से लिकाड़ा, ये हमारा क्रोशिया बन गया। अब ये हमारा एक चेन का हो गया और एक क्रोशिया हमने बना लिया। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। 16 क्रोशिया बनाने के बाद पहले ये धागा हमें ऐसे टाइट करने के बाद ये हमारे टाइट हो गया और यहाँ हम इसे चेन में ऐसे जॉइंट करेंगे। ये यहाँ ऐसे जॉइंट करने के बाद इसे इस तरीके से सील देंगे ऐसे। ये हम इस तरीके से इस पे राउंड लगाएंगे। और ये यहाँ हम कैंची से कट कर देंगे। एक, दो, तीन, तीन चेन लेने के बाद अब इसे अगली वाली चेन में क्रोशिया बनाएंगे। ये ऐसे ही हमें एक राउंड, हर एक चेन में एक एक क्रोशिया बनाते हुए ही हमें ये राउंड कंप्लीट करना और एक राउंड इसके ऊपरली तरफ कंप्लीट करना। तो ये हमें डबल क्रोशिया के तीन राउंड बनाने, एक हमारा बन गया, दूसरा हम बना रहे हैं, तीसरा और बनाएंगे और फिर हम दिखाते हैं। ये हमने तीन राउंड बना लिए, एक, दो, तीन। तीन राउंड बनाने के बाद अब ये हम हाफ चेन में ऐसे हुक डालेंगे। ये यहाँ हमने ऐसे हुक डाला और ये यहाँ ऐसे जॉइंट कर दिया। और अब हम हर एक हाफ चेन में हाफ क्रोशिया बनाते हुए ये हाफ चेन में हम क्रोशिया बना रहे हैं। ऐसे ही अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। ये हाफ चेन में बनाते हुए हमने अपना क्रोशिया ऐसे, अब मुझे ये यहाँ जॉइंट करना है। ये ऐसे जॉइंट करके अब जो मेरी ये हाफ चेन में मैंने ये सिंगल क्रोशिया बनाया, इसकी जो भी मेरी हाफ चेन है ये वाली, इसमें से मुझे इसमें लाना ऐसे हाफ क्रोशिया बनाना। पहले एक, दो, तीन, तीन चेन बनानी है।
वापिस क्रोशिया इसी में बनाना, ये हाफ चेन में क्रोशिया बना रहे हैं, ये आधी चेन में तो हमने ये हाफ क्रोशिया बनाया और इसमें अब हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। एक चेन में दो क्रोशिए। अब हम दूसरा कलर यूज करेंगे, ये दूसरा कलर ऐसे पहले दो इनमें से निकाला। अब अगली चेन में यहाँ जाएंगे और ये दोनों धागे इसके साथ ही ऐसे लेंगे, दो, फिर इससे अगली चेन में इसमें भी हमें दो क्रोशिए बनाने। अब ये दो इतना ऐसे ऐसे रखने के बाद अब हम ये सफेद के बनाएंगे, पहले सफेद ऐसे बना के दोनों में से। अब अगली चेन में ये धागे हमें ऐसे साथ रखने, एक दो, दो क्रोशिए बनाने के बाद फिर अगली चेन में जाएंगे, ये यहाँ ऐसे रखना, ये दो रखने, इसके बाद हमें इसमें चेन बन ये क्रो ये वाला धागा लेना, इन दोनों में से ऐसे ये हर एक चेन में से हम दो दो बार क्रोशिया बना रहे हैं। ये आप दो दो क्रोशिए भी करके बना सकते हैं, चार चार भी करके बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये हम धागा ऐसे ही रखेंगे, अब हम ये पिंक धागा लगाएंगे, अब हम ये सफेद वाली ऊन लगाएंगे चलाएंगे, अब ये पिंक, अब ये हम यहाँ सफेद लगाएंगे, ऐसे सफेद निकाल के, और अब ये हम यहाँ इस तीसरी चेन में
इस तरीके से जॉइंट करेंगे। अब ये धागा हम यहाँ कट कर देंगे और ये टोपी हमारी बन के कम्प्लीट है।